नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव सेवन। बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में होना है और चुनाव को लेकर पूरे बिहार में आचार संहिता लागू है। जहानाबाद में भी चुनाव की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। 7 चरणों में जहानाबाद में चुनाव होना है। पहली चरण में काको है, जबकि आखिरी और 7वें चरण में मखदुमपुर का चुनाव होना है। पहले चरण की कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, प्रत्याशी अपना नामांकन करा पाएंगे। लेकिन जहानाबाद में प्रशासन की क्या व्यवस्था है, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जहानाबाद के SDO निखिल धनराज निपन्नीकर। सर, स्वागत है आपका बिहार लाइव सेवन में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही सर कि बिहार में जो है चुनाव होना है, जहानाबाद में भी पहले चरण के लिए कल से मतदान की जो प्रक्रिया है उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या तैयारी है सर प्रशासन की ओर से? बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तो प्रशासन की पूरी तैयारी है। 7 चरणों में यहाँ पे चुनाव होना है, उसके लिए जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा काफ़ी मीटिंग्स की गई हैं। जिला में सभी ऑफिसर को इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और ब्लॉक स्तर पे हमारी काफ़ी अच्छी तैयारी है आने वाले पंचायत चुनाव के लिए। और कल से नामांकन शुरू हो जाएगा प्रथम फेज के लिए, जहाँ पे काको हमारा जो ब्लॉक है वहाँ पे मतगणना के लिए, नॉमिनेशन के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सर, इस बार बिहार सरकार दो तरीके से कोरोना को देखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया से नॉमिनेशन ले रहा है, तो क्या जो ऑनलाइन करते हैं उनको आना जरूरी है ऑफिस या फिर नहीं आना चाहिए? दोनों प्रक्रिया में ऑफिस आके सबमिट करना अनिवार्य है। कैंडिडेट को यदि वो ऑनलाइन भी करते हैं तो उनको आके ऑफिस में सबमिट कर देना चाहिए। सर, पिछले चुनाव में कुछ असामाजिक तत्वों की उपस्थिति देखी गई थी या फिर पूर्व के चुनाव में देखी जा रही थी, उन लोगों के खिलाफ 107 की कार्रवाई होती थी, क्या इस बार भी कार्रवाई हो रही है या फिर कोई अलग प्रक्रिया अपनाया जा रहा है? नहीं, पिछले विधानसभा में जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जिला में काफ़ी अच्छी तैयारी थी। 107 की कार्रवाई लगभग 5,200 लोगों पे हमने की थी, तो उसी के डायरेक्शन में अब जो पंचायत चुनाव आया है तो उसके संदर्भ में काफ़ी थाना एक्टिव है हमारा। हमारे मजिस्ट्रेट सभी जगह हमने कैंप लगाया है और इस बार भी हमारा लक्ष्य है कि 7,500-8,000 लोगों को हम बाउंड डाउन करें 107 में, ताकि जो भी असामाजिक तत्व लोग पंचायत चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे उनको एक तरह से डेटरेंस हो जाए और वो लोग हमारे चुनाव की प्रक्रिया को कहीं डिस्टर्ब ना करें। तो उसमें से अब लगभग आज का रिपोर्ट जो है वो 1200 लोगों पे हमने ऑलरेडी 107 की कार्रवाई शुरू कर दी है, बाकी आने वाले 1-2 सप्ताह में 7,500-8,000 का आंकड़ा हम टच कर लेंगे। सर, पिछली बार कुछ शिकायतें भी आई थी कि कुछ वृद्ध लोग जो हैं, मतलब अब वो सिर्फ जिंदा हैं या फिर मतलब वो असामाजिक कार्यों में अब उनकी हस्तक्षेप नहीं रहती है, उन लोगों की भी नाम आ गई थी 107 की कार्रवाई में, क्या इस बार उस पर कैसे अंकुश लगाएंगे? पिछली बार ये ज़्यादा मामला नहीं था, 1-2 केवल मामला आया था 1-2 थाना से, बट इन मामलों को संज्ञान में लिया गया जो ऐसे व्यक्ति थे जिनका बाय मिस्टेक या किसी भूलवश नाम उसमें चढ़ गया होगा या गलती में किसी और का आइडेंटिटी आ गया होगा, तो उसके लिए हमने कार्रवाई की थी कि उन लोगों को नाम हटा दिया गया था। और इस बार हमने सभी थाना को सूचना दी है और SP सर द्वारा भी इसमें काफ़ी अच्छी एक ब्रीफिंग की गई है सभी थाना को कि ये लोग खुद वेरीफाई करेंगे, थाना प्रभारी खुद वेरीफाई करेंगे, उसके पश्चात ही वो लिस्ट हमारे पास भेजेंगे एक साथ की कार्रवाई करने की। सर, कुछ प्रत्याशी जो जिस तरीके की तैयारी, हम लोगों को आंशिक जानकारी है कि प्रत्याशी ये भी तैयारी कर रहे हैं कि वहाँ से नॉमिनेशन कराने के बाद एक रैली, जुलूस या फिर कहीं भोज का आयोजन किया जाए, जबकि कोरोना भी अभी बिहार में पूरी तरह से गया नहीं है, ये सरकार का कहना है, तो ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसे आप जानते हैं कि पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने किया था जिला में और पूरे बिहार में, वो तरह एक तरह से मॉडल बन गया था कि कोविड के बीच हम लोगों ने इतने सफलतापूर्वक चुनाव किया था, तो उसी के आधार पर ये वाला भी चुनाव होगा। जैसे आप कह रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, वो तो है स्थिति, केरल में आप देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं और तीसरी लहर के आने की संभावना भी जताई जा रही है, तो इसके मद्देनज़र जो कोविड गाइडलाइंस सरकार के द्वारा निर्गत की गई हैं उसी के अनुसार यहाँ पे काम होगा, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा और जिन प्रत्याशियों को जो भी कार्यक्रम करना है वो अपने रिटर्निंग ऑफिसर से परमिशन लेने के बाद ही कर पाएंगे। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई इन पर की जाएगी। नामांकन में कितने लोगों का आने की वैधता है सर, कितने लोग आ सकते हैं? कैंडिडेट और प्रत्याशी केवल 2 ही लोग आ सकते हैं इसमें, इस नामांकन में 100 मीटर्स का 144 का ऑर्डर यहाँ से हो गया है, ताकि वो 100 मीटर्स जो जहाँ कहीं नॉमिनेशन हो रहा है उसके 100 मीटर के बाहर ही सब लोग रहेंगे, केवल कैंडिडेट और उनके प्रत्याशी अंदर आ पाएंगे इसमें। सर, कई बार जो है EVM से पहली बार चुनाव हो रहा है, यह बिहार के लिए इतिहास होगा सर, लेकिन EVM पर सवाल भी उठते रहे, ऐसे में स्ट्रॉन्ग रूम कहाँ कहाँ बनाया गया है, ये भी बात लोगों को बतानी चाहिए सर। देखिए, जब बात आती है कि EVM पे सवाल उठाने की,
हम खुद ही रिटर्निंग ऑफिसर थे 216 जहानाबाद के, तो हमने पाया कि मेरा भी पहला ही अनुभव था, लेकिन ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई इंटरफेयर उसे नहीं कर सकता। जो उसमें नतीजे लोगों के द्वारा वोट किया जाएगा वही उसमें रिकॉर्ड होता है, उसके अलावा कोई उसमें कोई मैनिपुलेशन करने की किसी भी लेवल पर उसमें संभावना नहीं है। दूसरा बात रहा हमारे स्ट्रांग रूम का, इस बार 7 चरणों में चुनाव होना है और 7 प्रखंड हमारे हैं यहाँ पे, तो 2 स्ट्रांग रूम का हमने इसमें बनाया है। एक तो है मानस में, मानस इंटरनेशनल स्कूल में, जहाँ पे घोसी, मोदनगंज और हुलासगंज के ब्लॉक रहेंगे, और दूसरा है हमारा यहाँ पे SS कॉलेज में, जहाँ पे रतनी फरीदपुर, काको, मखदुमपुर और जहानाबाद ब्लॉक का हमने वहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाया है। सर, कई बार ऐसा भी मतलब माना जाता है कि चुनाव के दरमियान जो है पैसों का बाहरी आदान प्रदान होता है, तो वहीं शराब तस्कर भी एक्टिव हो जाते हैं, क्या शराब पर अंकुश लगाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कार्रवाई की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा? हाँ ज़रूर, इसमें DM सर और SP सर का काफ़ी अच्छा डायरेक्शन भी आया है सभी थाना अंचलाधिकारी सभी लोगों के लिए, और जो विधानसभा चुनाव की हमारी तैयारी थी, जो FST टीम्स हमने गठन किया था, जो बॉर्डर हमने सीलिंग किया था, वो इस चुनाव में भी हम कर रहे हैं। बॉर्डर सील करेंगे, सब जो गाड़ियाँ आ रही हैं बाहर से उसको चेकिंग किया जाएगा, और जहाँ तक पैसों का लेन देन की आप बात कह रहे हैं, इसको चेक करने के लिए भी हमारी टीम्स बनी हैं, जो धावा दल बना है, जो सडन इंस्पेक्शन करेंगे, जांच करेंगे, और जो भी गाड़ियां जा रही हैं रोड पे, उसका निश्चिंत रहिए कि हर जगह पे जहां ऐसी गाड़ियां क्रॉस करेंगी उसका जांच होगा। सर, आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, युवा मतदाता हैं, उन लोगों से? देखिए, डेमोक्रेसी है, सबको अपना वोट करने का अधिकार है, जो 18 साल के ऊपर के आयु के लोग हैं जिनको वोट करने का अधिकार है, वो जाएं अपने नज़दीकी बूथ पे, जो कैंडिडेट उनको अच्छा लगता है उसको वोट करिए, क्योंकि वोट का जो ये पावर है वो अनपैरल्ड है, और डेमोक्रेसी में सभी को वोट करना चाहिए, अपने लीडर्स को चुनना उनको आना चाहिए, और पंचायत स्तर की जब बात आती है तो वो हम आम लोगों से जुड़ी हुई बात रहती है, तो लोगों को जाके अपने कैंडिडेट के बारे में जानना चाहिए, कौन कैंडिडेट अच्छा है, किसके आने से हमारी क्या सुविधा बदल सकती है, तो उन चीज़ों को देखते हुए उनको अपना वोट का अधिकार यूज़ करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल रहेगा सर, 107 के तहत जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है उनको बॉन्ड डाउन कराने के लिए क्या लाना होगा गवाह के रूप में, क्या उनको कितना का मतलब यहाँ दिखाना होगा संपत्ति या फिर जो भी प्रक्रिया है? ठीक है, देखिए बॉन्ड डाउन में ऐसा होता है कि बॉन्ड डाउन की राशि एक होती है, वो मैजिस्ट्रेट तय करेंगे कि जितना जमान जी किसी का नाम उसमें आ जाता है, तो उसके अनुसार उसके इवैल्यूएशन करते हुए कि कितना थ्रेट है या कितना यह सामाजिक तत्व है कि हमको डिस्टर्ब कर सकता है, तो बॉन्ड की राशि होती है 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी हो सकती है, तो इसके अनुसार उनको अपना एक आधार कार्ड लाना होगा, और जो भी उनके वैल्यूएबल होंगे कि 2 लाख तक का जो भी उनका एसेट होगा उसके पेपर, यदि कोई मोटरसाइकिल ही हो, किसी की ज़मीन ही हो, उसके पेपर हमको उनको जमा करना है। यदि वो कल जाके कुछ ऐसी घटना में भाग लेते हैं या कोई समाज में शांति भंग करने वाली काम करते हैं, तो उनको माना जाएगा कि ये बॉन्ड का उल्लंघन है और उनसे उतनी राशि वसूली जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले। धन्यवाद। ये हमारे साथ जहानाबाद SPO निखिल धनराज निपन्नी करते हैं, इनका साफ कहना है कि जहानाबाद में जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें कल से चुनावी प्रक्रिया के लिए एंट्री होना चाहिए, और 11 से 4 तक अभी समय निर्धारित किया गया है नामांकन के लिए, लेकिन अगर बदलाव होगा तो उसकी भी जानकारी दिया जाएगा। 107 के तहत अगर आपके ऊपर कार्रवाई हुई है तो आप SPO ऑफिस में आकर SPO के समक्ष पेश हों और अपना बॉन्ड डाउन करा लें। जिन लोगों की जो है गन जब्ती नहीं हुई है या फिर जमा नहीं कराए हैं, उन लोगों से भी मेरा खास अपील रहेगा कि अपनी गन को संबंधित थाने में जरूर से जरूर जमा करा लें। अभी के लिए बस इतना ही, लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव शुरू।